आज मैं सिप्लॉक्स आई एंड ईयर ड्रॉप के बारे में रिव्यू लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, और इसके जो आपके बात करने के लिए किस में यूज़ होता है, तो ये एक ऐसी एंटीबायोटिक होती है जो कि जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को जो ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, यानी उसके इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें आपको राहत देता है। और दोस्तों, जो अगर बात कर लेते हैं इसकी के सिप्लॉक्स आई ड्रॉप है, ये हमेशा एक्सटर्नली यूज़ होता है जो कि आई एंड ईयर यूज़ होता है, और इसे डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक की अवधि पर ही लें। और दोस्तों, जो अवधि के अनुसार इसे जो ड्रॉपर को पकड़े और आँख या कान के करीब रखें और धीरे धीरे ड्रॉपर को निचोड़ें, यानी जो इसके अंदर जो ड्रॉपर होता है दोस्तों, जैसा कि मैं शो करा देता हूँ आपको, इसके अंदर जो ड्रॉपर है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये ड्रॉपर है। और इस ड्रॉपर को जान लेते हैं कि सबसे पहले धीरे धीरे ड्रॉपर को निचोड़ लें और दवा को निचली पल्क या कान के अंदर डालें। अतिरिक्त द्रव को साफ कर दें। किसी भी खुराक को छोड़ने से बचें और इलाज का पूरा कोर्स पूरा करें, भले ही आपको बेहतर महसूस हो रहा हो। इसको लगाने के तुरंत बाद इसे इस्तेमाल वाली जगह पर पीड़ा और जलन की अनुभूति हो सकती है, हालांकि ये साइड इफेक्ट अस्थायी होते हैं और आमतौर पर अपने जो आप ही समाप्त हो जाते हैं। अगर ये लंबे समय तक बने रहते हैं तो डॉक्टर को बताएं। आंखों को इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली पहली बार इस्तेमाल करने पर कुछ समय के लिए नज़रों में धुंधलापन आ सकता है। ड्राइविंग करते समय, मशीनों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें। दवा का उपयोग करते समय जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो ना पहने। और दोस्तों, इसके उपचार की बात कर लें तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होता है और जो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को उसे दूर करता है। इसके बेनिफिट की बात कर लें दोस्तों, तो ये आँख और कान में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो इलाज है उसमें यूज़ होता है। यह बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है और यह कान और आँख के इन्फेक्शन के कारण होने वाले दर्द और जो लालपन, खुजली, छाले और जो होता है कान से जो डिस्चार्ज होता है, यानी जो वाटर डिस्चार्ज होता है, ऐसे लक्षणों को राहत दिलाने में मदद करता है। डोज और इलाज का समय आपकी कंडीशन के आधार पर आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए जो जाएंगे, जो सुनिश्चित करें कि आप इलाज का पूरा कोर्स पूरा कर लें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन्फेक्शन का पूरी तरह से इलाज हो जाए तथा यह वापस ना आए। बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज में जो बात कर लेते हैं, इनमें जो मूत्र मार्ग और जो नाक, गले और त्वचा, मुलायम ऊतकों और फेफड़ों के इन्फेक्शन शामिल है। यह इन्फेक्शन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया की जो अधिक वृद्धि को रोकता है और इसे मारता है। यह दवा आमतौर पर आपको जल्द ही बेहतर महसूस कराती है, हालांकि आपको बेहतर महसूस होने के बाद भी जो सुझाई गई अवधि तक लेना जारी रखना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बैक्टीरिया मारे जा चुके हैं और इनके प्रतिरोध विकसित नहीं हुआ है। और इसके दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि इस्तेमाल करने वाली जो जगह होती है उस पर जलन हो सकती है, जलन का एहसास हो सकता है और सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो होता है उसके डिसऑर्डर हो सकता है, जोड़ों का दर्द और अर्टिकेरिया भी यूज़ हो सकता है। और दोस्तों, इसकी बात कर लें कि इसकी जो डोज होती है वो कैसे यूज़ करना है, मतलब इसे, तो जो ड्रॉप होती है इसे यूज़ करने के लिए, यह दवाई केवल बाहरी इस्तेमाल के लिए और इसे डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही खुराक की अवधि में लें। इस्तेमाल करने से पहले लेवल की जांच कर लें। ड्रॉपर को पकड़े और आंख कान के करीब रखें। धीरे धीरे ड्रॉपर को निचोड़ें और दवा को निचली पलक या कान के अंदर डालें। अतिरिक्त द्रव को साफ कर दें। और दोस्तों, जो हालांकि अगर अगली खुराक का समय हो गया हो तो और छूटी हुई खुराक को छोड़ दें और नियमित रूप से अगली खुराक लें और खुराक को डबल ना करें। बात कर लेते हैं इसका जो वर्क है, तो वर्क कैसे करता है ये, तो सिप्लॉक्स आई ड्रॉप जो होता है वो एक एंटीबायोटिक है और यह बैक्टीरिया के विभाजन को और उसकी मरम्मत को रोकता है। बैक्टीरिया के कारण होने वाले आँख कानों के संक्रमण का इलाज करता है। यह डीएनए
जो डीएनए जो गायरेज नामक बैक्टीरिया एंजाइम को जो के काम को रोकता है। और बात कर लेते हैं इसके कुछ जो दोस्तों इसके जो दुष्परिणाम है, दुष्परिणाम तो कॉमन है, जैसे इसके जो खास टिप है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो टिप्स जो होती हैं उसमें बेहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की खुराक को ना छोड़ें और इलाज का कोर्स पूरा ख़त्म कर दें। और जो संदूषण के से बचने के लिए ड्रॉपर के टेप को किसी भी सतह से या अपनी कान या नाक से स्पर्श ना होने दें। लक्षण ठीक हो जाने के बाद भी आपको एक घंटे के बाद यह दवा का इस्तेमाल जारी रखना है। अगर इलाज शुरू होने के दो दिनों के भीतर आपके लक्षणों में सुधार नहीं होता या इलाज के दौरान स्थिति में खराब हो जाती है, या अगर आपको कान और आँख में कोई और संक्रमण हो जाता है तो ये अपने डॉक्टर को बताएं। कोर्स के अंत में बची हुई किसी भी दवा को फेंक दें और जो डाइल्यूशन से बचने के लिए उसी आँख में अगली दवा डालने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट तक प्रतीक्षा करें। इस दवा का इस्तेमाल करते समय कॉन्टैक्ट लेंस ना पहनें। इस दवा को पहली बार लेने पर थोड़े समय के लिए नज़र में धुंधलापन हो सकता है। ड्राइविंग करते समय, मशीनों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें दोस्तों। और आपको ये मेरी वीडियो है जो कैसी लगी दोस्तों, और सॉरी मैं इसका जो प्राइस है वो प्राइस बताना भूल गया आपको। तो दोस्तों इसका मार्केट प्राइस 17 रुपये है, जो कि काफ़ी कम है, जो कि आप आसानी से ले सकते हैं दोस्तों। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो इसकी अगस्त 2021 है और एक्सपायरी डेट है तो जुलाई 2024 है। और दोस्तों ये काफ़ी अच्छा ड्रॉप है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और वीडियो को पाने के लिए, या फिर आपको जिस वीडियो पर या टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी हो तो वो दोस्तों आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, अगर आपको कुछ भी इश्यू या कुछ भी क्वेरी वगैरह होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।